नमस्कार और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी पर। और आज हम लोग बनाएंगे अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, वो भी बिना मस्टर्ड केक के, क्योंकि हम सब में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर कितना बेहतरीन तरीके से पौधों में काम करता है। पर हम में से काफ़ी सारे लोगों को मस्टर्ड केक मिल ही नहीं पाता है, तो उस केस में हम क्या करें, कैसे हम लोग अपना बिना मस्टर्ड केक के अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाए, इसी चीज़ को शेयर करूँगी। बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, सर्दियों में मैंने इसको यूज़ भी किया था और वीडियो में आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन इसके रिजल्ट्स मिले थे मुझे। हाँ, एक बात इसके बारे में ज़रूर आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं। अगर मैंने लास्ट में वो बात बोली तो शायद इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा और फिर सिलसिला चालू होगा आप लोगों के क्वेश्चंस का। तो पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हम लोग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इससे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये है हमारी थोड़े से गर्म मिजाज की, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप इसको गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली यूज करें। जितनी क्वांटिटी आप विंटर्स में यूज करेंगे उसके सिर्फ 1/4 ही आप गर्मियों में यूज करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मैंने सिर्फ सर्दियों में इसको यूज किया था, गर्मियों में मैंने इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, तो इस इतने गर्मी भरे मौसम में मुझे नहीं लगता कि इसको हमें यूज करना हमारे लिए ठीक रहेगा। पर फिर भी कई बार लोग वेजिटेबल्स के लिए, अपने फ्रूट्स के लिए इसको यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप पहले तो अपने आपके यहाँ का मौसम कैसा है, बहुत गर्म तो नहीं है, और फिर भी अगर कुछ सब्जियों वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुली इसको, आपको क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। जितनी आपने विंटर्स में लेनी है उसके सिर्फ 1/4 ही आप लें गर्मियों में। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना मस्टर्ड केक के कैसे हम लोग इस बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र को तैयार कर पाएंगे अपने घर में ही, अपने किचन के आइटम से। अभी शायद आप लोगों से काफ़ी सारे लोग न यूज करें, सर्दियों में यूज करें, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि सर्दियों में आप इसको यूज करके ज़रूर देखें, बहुत आपको बेहतर इसके परिणाम मिलेंगे। और देखिएगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब जब हमारे पास सरसों की खली नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपने किचन से सरसों के कुछ दाने। सरसों के दाने हम सबके किचन में बहुत आराम से मिल जाएंगे, सबके घर में यूज होती है। देखिए, इस तरह के ब्लैक कलर की सरसों होगी या होगी येलो कलर की, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, या चाहें तो दोनों को मिला के भी यूज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसका एक बढ़िया सा पाउडर बनाना है। देखिए, मिक्सी में डाल के इस तरह से पाउडर बना लीजिए, और ये लगभग मेरा 100 ग्राम के आसपास सरसों का पाउडर है। अब हमें इसको पानी में घोलना है, तो घोलने के लिए देखिए, घोलने के लिए मैंने लिया हुआ 1 लीटर पानी, यानी कि 100 ग्राम सरसों का पाउडर आप 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिला के अब अगला कदम हमें क्या उठाना है, हमें रखना है इसको धूप में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर इसको मैक्सिमम धूप मिल सके। आप इसको ढक के रख दें, सर्दियों में अगर आप बना रहे हैं तो पूरा 1 हफ्ता तक आप इसको धूप में रखेंगे, हफ्ते से 10 दिन हो जाएं, पर हफ्ते से आप 5 दिन मत करिए, क्योंकि जितना अच्छे से इसको धूप लगेगी उतनी ही अच्छी ये तैयार होगी। अगर यही काम आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसको 2 दिन धूप में रखें और उसके बाद अपने पौधों में यूज करें। आप 1 गिलास भर के किसी भी 10 इंच के गमले में दे सकते हैं। अगर आपके पौधे का साइज़ बड़ा है, आपके पॉट का साइज़ बड़ा है, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और हफ्ते में 1 बार इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके फूलों के पौधों, आपके फलों के पौधों, आपके सब्जियों के पौधों, एक बार देख के ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप बहुत खुश होंगे। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहें और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कराते रहें। थैंक यू।